मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान चौक के पास दुकान में लगी भीषण आग, 4 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक, अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सरायकेला के बड़ा कांगरा गांव में एक कार की चपेट में आने से बाइक सवार दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शाह अब्दुल कादिर इकबाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। मोतिहारी के गंडक नदी में चंपारण तटबंध पर वर्षों से बसे दलितों के आशियाने को उजाड़ने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। करीब 30 साल यहां रह रहे हैं विस्थापित। सरायकेला में आदित्यपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना से रिटायर्ड लोगों ने बच्चों के बीच कई जानकारियां साझा की। बच्चों को सेना के क्रियाकलाप से भी अवगत कराया गया। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत तिरुल्डी पंचायत भवन सभागार में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजन्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पोलियो, खसरा और रुबेला के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। खगड़िया के चौथम थाना के रहने वाला राजा मलिक की डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक सड़क जाम किया। सरायकेला खरसावा में 16 से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पोषण के प्रति जागरूकता के लिए DDC ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुपौल जिले के सदर बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में कंपाउंडर की फंदे से लटकी लाश मिली। मृतक कई सालों से निजी क्लिनिक में कार्यरत था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गुमला में एक झोला छाप डॉक्टर ने 3 वर्षीय मासूम की जान ले ली। मामूली बुखार के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले की ईचागढ़ थाना क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाते हुए कई घरों को तोड़ डाला। हाथियों ने खेतों में लगे फसल को भी नुकसान पहुंचाया। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। पलामू के मेदिनी नगर थाना में पदस्थापित एक ASI को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ASI इंद्र पासवान किसी केस को रद्द करने के एवज में 5,000 रूपए रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान ACB की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवक के प्रेमिका के परिजनों पर लगा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।